ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज शुरू कर रहे हैं जीओसी। जीओसी एक बेसिक पॉइंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात होती है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से सीखेंगे तो ऑर्गेनिक खुद पे खुद आती चली जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक बात है जो ऑर्गेनिक सीखने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीओसी में आज एक बेसिक सा लेक्चर ले रहे हैं। ये पहला लेक्चर इसका एकदम जनरल लेक्चर है, इसके बाद सेकंड लेक्चर से जीओसी स्टार्ट होगी। मगर ये मेन बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये लेक्चर, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये लगभग 50% रॉन्ग पॉइंट आपके निकाल देगा। देखिए, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एस करेक्टर सभी जानते हैं, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एस करेक्टर कैसे निकलेगा ये सभी को आता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। एस करेक्टर मतलब परसेंटेज ऑफ एस इन एस पी आई, मतलब आई जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब SP, SP2, SP3, SP4, इस वजह में बात नहीं, SP, SP2, SP3, SP है तो आई की वैल्यू 1 हो गई, SP2 है तो आई की वैल्यू 2 हो गई, SP3 है तो आई की वैल्यू 3 हो गई। तो SPI, आई क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 होगी, मतलब 1 हो गया तो SP, 2 हो गया तो SP2 और 3 हो गया तो SP3। अब इसमें अगर हम बात करें SPI में, तो SPI में S ऑर्बिटल कितनी है 1 और P ऑर्बिटल्स कितनी है I, ठीक है, IP। तो अगर टोटल ऑर्बिटल्स देखें इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो वो कितनी हो गई, 1 + I, क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो गई, ये तो क्या हो गई प्योर। अगर हमारे पास क्या है, अगर 1s और ip ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो, कंबाइन हो, तो कंबाइन होके उससे क्या होगा, 1 + I क्या बनेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। और हाई और हर 1 + I जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगी वो सब की सब एक जैसी होंगी, कितनी, SPI, ठीक है। तो s और p ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल्स हैं, और ये SPI क्या हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएगी, या कह सकते हैं इम्प्योर ऑर्बिटल्स। अब अगर हम SPI में क्या निकालें, S करेक्टर निकालें, तो S करेक्टर निकालें किसमें, SPI में, तो S करेक्टर निकालें, तो SPI में S की संख्या कितनी है, 1, और टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, 1 + I, ठीक है। SPI में अगर S का नंबर देखें तो वो कितना है, 1, और टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होगी इसमें, 1 + I, ठीक, और इनटू क्या कर देंगे, 100, जब परसेंटेज निकालनी है। तो अगर I की वैल्यू 3 हो गई तो ये होगी SP3, और SP3 में S परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 25। अगर I की वैल्यू 2 हो तो ये क्या हो जाएगी, SP2, और SP2 में S करेक्टर कितना हो जाएगा, 33। और अगर I की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो जाएगा SP, और SP में S करेक्टर कितना आ जाएगा, 50%। चलिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर क्या होता है इसके बारे में और जाने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए, जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है। कौन से इलेक्ट्रॉनों को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ छीनने की, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे अगर हम बात करें, F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हम बात करें F को माइनस चार्ज दूं और IO को भी माइनस चार्ज दूं, तो F भी रोना शुरू कर देगा और O भी रोना शुरू कर देगा। रोना क्यों शुरू कर देगा जी, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना चाहता है। मगर जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आएगा, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे एफ की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा तो लाइक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, जिससे उसकी सरफेस क्या होगी, एक्सपेंड होना चाहेगी, मतलब उसकी रेडियस इंक्रीज होगी। और रेडियस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर चार्ज देते जाएंगे तो रेडियस बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे बैलून में एयर भरते जाएं तो क्या होगा, बस्ट हो जाता है अल्टीमेटली आके, ठीक है। तो जैसे हम किसी भी एटम पे, ध्यान दीजिए, कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम हमेशा मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आयंस के। अगर चाहे प्लस चार्ज दो चाहे माइनस चार्ज दो, क्योंकि चार्ज क्या होगा, सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लाइक चार्ज रिपेल करके उसकी रेडियस को, उसकी सरफेस को एक्सपेंड करेंगे, जिससे स्ट्रेन जनरेट होती है, जिससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो उसकी सरफेस में एक स्ट्रेन जनरेट होगी। तो अगर हम बात करेंगे, एफ को -1 दे दिया और ओ को भी -1 दे दिया, तो दोनों क्या है, दोनों रोना शुरू करेंगे, मगर ज्यादा तेजी से
कौन रोएगा, चिल्लाएगा कौन? ओ, ओ माइनस ज्यादा चिल्लाएगा एफ के कंपेरिजन, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल हो गए, मगर ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? ओ, क्योंकि ओ को उतनी आदत नहीं है नेगेटिव चार्ज बियर करने की जितनी किसको है, एफ को है। क्यों? क्योंकि एफ की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। अगर सी माइनस, सी को अगर माइनस चार्ज दे दे तो और भी तेज चिल्लाएगा, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कम है, किससे? एफ से और ओ से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। वो अलग बात है कि अनस्टेबल तो हो ही जाएंगे सभी। तो एफ माइनस भी एफ एफ ओ एन और सी की बात करूं तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? एन आयन से। एफ माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा एफ, ओ माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा ओ, एन माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा एन और सी माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा सी। मगर इनमें अगर बात करें एफ माइनस, ओ माइनस, एन माइनस, सी माइनस में स्टेबिलिटी की बात करें तो एफ माइनस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो समझ में आ गया बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ लीजिए उसको नेगेटिव चार्ज, उसकी क्या होगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या दूसरे तरीके से कहें कि उसके नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, या उल्टा कहें कि प्लस चार्ज को बियर करने की टेंडेंसी रिवर्स होगी। अगर मैं बात करूं एफ प्लस, ओ प्लस, तो एफ माइनस, आपके एफ प्लस बहुत तेजी से रोएगा एज कंपेयर टू ओ, ओ प्लस, क्योंकि क्या है, एफ की टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं। अगर पॉजिटिव दे दिया तो कहानी क्या हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एफ माइनस की और ओ माइनस की, तो एफ माइनस ज्यादा स्टेबल होगा ओ माइनस से। अगर मैं बात करूं एफ प्लस की और ओ प्लस की, तो आपके ओ प्लस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो माइनस के साथ तो फिर भी ठीक रहेगा और प्लस के साथ तो एकदम अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए आगे बात समझ में, तो देखिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर का मतलब हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है होल्डिंग, ये कह रहा है यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी। या दूसरा कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी। या कह सकते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी रखेगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी। तो अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज की होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही क्या होगी, कम। तो मोर इलेक्ट्रॉन, अगर हम क्या करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को माइनस देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को माइनस देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम प्लस देंगे तो स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को माइनस देंगे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एप्लीकेबल ओनली फॉर अलोंग द पीरियड्स, तो पीरियड्स के अलोंग ये टेंडेंसी, ये जो ऑर्डर है, ये जो टेंडेंसी मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव चार्ज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव पे मोर स्टेबल हो जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव चार्ज पर स्टेबल हो जाएगा। या ऐसे कहें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज को तो होल्ड कर सकता है मगर प्लस चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी नहीं है। मगर ये जो ट्रेंड है ये किसके लिए है, पीरियड के एलिमेंट के लिए। ग्रुप के जो एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहता, डोमिनेट फैक्टर रहता है साइज। तो जब भी हम ग्रुप के एलिमेंट में चलेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा साइज, मतलब साइज जैसे कहेगा वैसे बात चलेगी। और अगर हम बात करेंगे पीरियड एलिमेंट की तो फिर वहां पे क्या चलेगा फैक्टर, क्योंकि पीरियड में जो साइज का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए खैर देखें जरा क्वेश्चन कुछ, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये एनायन है मेरे पास, कौन है जी, CH3- NH2- OH- F- सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले तो सोर्स एटम को पकड़ो, सोर्स एटम मतलब जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ये CH3 है, CH3 में H भी है और C भी है, तो माइनस है किस पे, C पे। तो यहाँ C माइनस है, यहाँ N माइनस है, यहाँ O माइनस है, यहाँ F माइनस है। तो सोर्स एटम इसमें हो गया C, इसमें हो गया N, इसमें हो गया O, इसमें हो गया F। तो यहाँ पे C माइनस है या N माइनस है, O माइनस है, F माइनस है। अब C, N, O, F किसके हैं, पीरियड के हैं कि ग्रुप के हैं। अगर पीरियड के हुए तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर साइज ग्रुप के हुए तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा साइज। तो सी एन ओ पी ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी हो गई, एन की, एन से ज्यादा हो गई ओ की, ओ से ज्यादा हो गई एफ की। तो ध्यान दीजिए
मेरे पास ये आयंस हैं, इनकी ये एनायंस हैं, इनकी स्टेबिलिटी मुझे कंपेयर करनी है, तो मैं देख चेक करूंगा कि जो सोर्स एटम कौन है वो कहाँ कौन कौन सा है, सोर्स एटम की आइडेंटिफाई करूंगा। सोर्स एटम के बाद फिर मैं चेक करूंगा कि जो सोर्स एटम है ये ग्रुप के हैं या पीरियड के, तो ये किसके आ गए, पीरियड के आ गए, और पीरियड के आ गए तो डोमिनेट फैक्टर कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कहेगी वैसा ऑर्डर चलेगा। अब पीरियड के एलिमेंट हैं तो डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई तो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी, मतलब सी माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एन माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा, ओ माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एफ माइनस। क्यों? क्योंकि सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एन, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओ की, ओ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एफ की, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी, तो उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा, एनायन। क्लियर होगी बात? तो CH3- से ज्यादा स्टेबल होगा NH2-, NH2- से स्टेबल होगा OH-, OH- से ज्यादा स्टेबल होगा F-। क्लियर होगी बात? तो अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले अप्रोच थी कि हम चेक करेंगे कि ये एलिमेंट पीरियड के हैं, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रश्न होगी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी, जिस भी एटम की नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, एनायन जनरेट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये एनायन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से चेक करूं या साइज से चेक करूं। साइज से कैसे चेक होगी, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है फिजिक्स में, तो जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी एटम्स की, जिस भी ऑब्जेक्ट की साइज रेडियस जितनी बड़ी होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, किसको, चार्ज को होल्ड करने की, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जितना बड़ा साइज होगा जितनी बड़ी रेडियस होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसको उसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, मगर प्लस चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी कम होती है, कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला तो है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी से पता चलेगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा स्टेबल एनायन हो जाएगा। अब ये चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो ग्रुप पर डिपेंड करेगी, मतलब साइज पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो वो डिपेंड करेगा कि एलिमेंट ग्रुप के हैं कि पीरियड के। जो सी एन ओ एफ है ये क्या है, बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ये क्या है, सेम, ये सेम ग्रुप के हैं कि सेम पीरियड के, नहीं ये सेम पीरियड के है। अगर सी एन ओ एफ की बात करें तो ये क्या हो गए, सेम पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, तो ये सेम पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो डोमिनेट फैक्टर होगा, तो जब सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो साइज विल बी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होगा, किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, मगर साइज का जो डिक्रीजमेंट है बहुत स्लाइटली छोटा सा होता है, तो साइज विल बी डिक्रीज स्लाइटली, या कह सकते हैं बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज हल्का सा घटता है मगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, मगर जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज का जो डिक्रीजमेंट है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि साइज ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं सेम है, या कह सकते हैं साइज के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, तो इसमें डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होती है, इंक्रीज, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया वो कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पीरियड के एलिमेंट हैं तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पीरियड में जो इस पीरियड में जो क्या होगा, यानी कि मेजोरिटी चेंज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव में, साइज में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट क्या होता है सेम, यानी कि स्लाइटली डिफरेंस होगा साइज में, इसलिए साइज वाले फैक्टर को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। तो अगर पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साइज अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज है वो बहुत छोटा होता है, मगर साइज का जो इफेक्ट हो, साइज का जो डिफरेंस है वो कंपेटेबल होता है, मतलब कंपेरिजन करा जा सकता है उसे। तो फैक्टर बिलोंग्स, तो इसमें क्या हो गया, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये पीरियड के एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर हो गया तो क्या होगा, साइज विल बी यहाँ पे क्या होगा, कंसिडर्ड ऑलमोस्ट सेम, तो जब भी पीरियड के एलिमेंट होंगे तो साइज ऑलमोस्ट क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, तो कंपैरिजन अलोंग विच द पीरियड, तो ये पीरियड के अलोंग क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट फैक्टर हो गया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, सी से ज्यादा होगा एन, एन से ज्यादा स्टिल होगा ओ माइनस, ओ माइनस से ज्यादा स्टिल हो जाएगा एफ माइनस। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ए से बड़ा स्टेबल हो गया बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब ये एनायन दे रखे हैं एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि सोर्स एटम, तो सोर्स एटम तो एक एक ही एटम है,
ठीक है, तो सोर्स एटम हो गए एफ सी एल बी आर आई। अब ये चेक करना है ये जो सोर्स एटम है ये ग्रुप के हैं कि पीरियड के, तो ये ग्रुप के हैं। कौन सा ग्रुप है? ये 17 ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन फैमिली। तो ये क्या है? ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट हुए, ग्रुप के एलिमेंट हुए, तो इसमें डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा? साइज, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज का जो इंक्रीजमेंट है वो लार्ज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या मानी जाएगी? सेम। किसको माना जाएगा? साइज यहाँ पे डोमिनेट फैक्टर होगा। तो जब भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो डोमिनेट फैक्टर कौन हो जाएगा? साइज। और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो उस चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगा यानी कि रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी चाहे प्लस चार्ज हो और चाहे माइनस चार्ज हो। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज। ये क्या हो गया? ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ग्रुप के एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया? साइज। और साइज डोमिनेट फैक्टर हो गया तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी तो एनर्जी भी घट जाएगी, और एनर्जी घट जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाता है? मोर स्टेबल। आगे बात समझ में नहीं? तो साइज डाउन द ग्रुप है तो डोमिनेट फैक्टर हो गया कौन? साइज। और साइज डोमिनेट फैक्टर हो गया तो साइज के बढ़ने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या है? घट जाएगी। और चार्ज डेंसिटी घटने का मतलब चार्ज एक्सपेल हो जाएगा, फैल जाएगा। और जितना ज्यादा चार्ज फैल जाता है, चार्ज पार्टिकल जितने दूर हो जाते हैं उतनी एनर्जी क्या हो जाती है? कम। और एनर्जी जितनी कम हो जाएगी उतना सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ध्यान रखना, तो स्टेबिलिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर जाएगी साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो एफ माइनस से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? एफ माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा सी एल माइनस, सी एल माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा बी आर माइनस, बी आर माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आई माइनस। तो यानी कि डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, डी से कम होगा सी, सी से कम होगा बी, और सबसे कम स्टेबल होगा कौन? ए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें क्या करना है? ये कह रहा है अनाइन द फॉलोइंग कैटायन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव। ये CH3+, ये NH4+, ये है H3O+। तो सोर्स एटम पकड़ो जिन पे प्लस है। सोर्स एटम है कौन? यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है। तो सी एन ओ ये ग्रुप के हैं कि पीरियड के? ये पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी मगर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी घटेगी। आगे बात समझ में? तो जैसे तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? एन। एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन? ओ। तो क्या होगा? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सी माइनस से ज्यादा स्टेबल होता एन माइनस, एन माइनस से ज्यादा स्टेबल होता कौन? ओ माइनस। मगर अब क्या है? माइनस की जगह प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज है तो ओ प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा एन प्लस, और एन प्लस से ज्यादा स्टेबल होगा सी प्लस। ठीक है, तो ये पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज की होल्ड करने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी मगर पॉजिटिव चार्ज के होल्ड करने की टेंडेंसी घटेगी। तो इसलिए सी प्लस ज्यादा स्टेबल होगा एन प्लस से, और एन प्लस ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ओ प्लस से। क्लियर होगी बात? तो इसमें ज्यादा स्टेबल हो गया ए, उससे कम स्टेबल हो गया बी, और सबसे कम स्टेबल हो गया सी। क्लियर? अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेम एटम आ जाए, सेम एलिमेंट का एटम आ जाए, सेम एलिमेंट के दो एटम हो जाएं, जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन एलिमेंट के दो कार्बन एटम हो जाएं, तो क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? तो दो अगर सेम एटम हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वो फिर डिपेंड करता है उनके एस करेक्टर पे। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि रिलेशन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एस करेक्टर की। क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उतने ज्यादा न्यूक्लियस के पास होंगे, और जितने ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, और जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर पर्टिकुलर सेम एटम हो जाए तो फिर हम क्या चेक करेंगे उसमें? एस करेक्टर। जैसे अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये मुझे एनायन दे रखा सी एच थ्री सी एच टू माइनस, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस, और सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। क्लियर? तो इसमें क्या है? देखिए, यहां भी सोर्स एटम, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है। सोर्स एटम जब सेम हो जाए तो फिर क्या चेक करते हैं? फिर चेक करते हैं एस करेक्टर। जब सोर्स एटम सेम हो जाए तो फिर चेक करेंगे एस करेक्टर। अब ये सिंगल बॉन्डेड एनायन है तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp2। डबल बॉन्डेड एनायन है तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी? सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, सिंगल बॉन्डेड एनायन है तो sp3, डबल बॉन्डेड एनायन है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड एनायन है तो sp।
तो sp3 में एक s करेक्टर होती है 25%, sp2 में s करेक्टर होगी 33%, और इसमें sp में s करेक्टर कितनी होती है 50%। तो इससे ज्यादा s करेक्टर इसमें और इससे ज्यादा s करेक्टर इसमें, तो सी माइनस ये कह सकते हैं sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसकी, sp2 कार्बन की, और sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है sp की। तो ये इनमें तो जब एटम सेम हो तो फिर क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर, और जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए सी सिंगल बॉन्डेड सी माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा कौन, डबल बॉन्डेड सी माइनस, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा कौन, ट्रिपल बॉन्डेड, या कह सकते हैं sp3 कार्बन एनायन से ज्यादा स्टेबल होगा sp2 कार्बन एनायन, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा sp कार्बन एनायन। क्लियर होगी बात, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये, क्लियर। तो क्या है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो देखिए जो स्टेबिलिटी एनायन है वो डिपेंड करेगी किस पे, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी पे। व्हेन एटम इज सेम देन चेक एस करेक्टर बाय फाइंडिंग देयर हाइब्रिड स्टेट। जब एटम सेम हो, सोर्स एटम सेम हो, तो हम क्या चेक करेंगे, एस करेक्टर फाइंड आउट करेंगे किससे, हाइब्रिडेशन स्टेट से। तो जैसे जैसे क्या होगा, कह रहा है जैसे जैसे क्या होगा, एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज को होल्डिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली डिपेंड करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, एस करेक्टर के। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल एनायन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे एन ये कह रहा है, एन कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस ये कह रहा है हाइब्रिडेशन कैसे निकलती है, तो मैं आपको अलग से एक लेक्चर ले चुका हूं। कार्बन एटम देखिए, आप लेक्चर पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम, एन एटम और ओ एटम, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाती है, डबल बॉन्डेड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। नोट पॉइंट ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज ए लोन पेयर इन द फॉर्मूला। ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लेते हैं। लोन पेयर भी कौन से लेते हैं, जो लोकलाइज हो, मतलब जो डीलोकलाइज जो लोन पेयर होंगे उन्हें काउंट नहीं करते। डीलोकलाइज मतलब जो लोन पेयर में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ वो लोन पेयर लेते हैं जो लोकलाइज हो, लोकलाइज मतलब फिक्स्ड हो, जो लोन रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। तो उसी के बारे में ये बता रहा है, ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज विल बी कंसीडर्ड एज ए लोन पेयर इन द फॉर्मूला। अगर किसी कंपाउंड पे किसी एटम पे माइनस चार्ज दे दिया तो उस पर क्या करेंगे, एक लोन पेयर कंसीडर करेंगे। जैसे सी पे कोई न्यूट्रल कार्बन एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें मेथेन में, अगर क्या करें, अगर कोवलेंसी फोर वाला कार्बन है, देखिए कार्बन भी दो कोवलेंसी वाला होता है, एक तो टू कोवलेंसी और एक फोर कोवलेंसी, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो कोवलेंसी टू होगी, उसके इसमें लोन पेयर हो सकता है। जैसे कार्बिन, अगर मान लीजिए कोवलेंसी कितनी हो जाए कार्बन की, 4, यानी कि फर्स्ट एक्साइड स्टेट में हो जाए, तो उसके पास कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो जाते हैं। तो कार्बन पे जैसे कोई लोन पेयर नहीं होता न्यूट्रल कार्बन एटम पे, तो अगर उस पर माइनस हो जाए तो इसका मतलब एक लोन पेयर आ गया। जैसे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, अगर एन माइनस हो जाए तो इसका मतलब दो लोन पेयर हो चुके हैं। जैसे ओ पे कितने लोन पेयर होते हैं, जनरली 2 लोन पेयर होते हैं, अगर ओ माइनस 1 हो जाए तो इसका मतलब कितने लोन पेयर हो चुके हैं, 3 लोन पेयर। तो माइनस चार्ज का मतलब है कि एक लोन पेयर बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज ए लोन पेयर इन द फॉर्मूला। दूसरा, इफ नेगेटिव चार्ज और ये कह सकते हैं लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस देन दे आर नॉट यूज इन द फॉर्मूला। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है तो फिर वो लोन पेयर या वो नेगेटिव चार्ज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, यानी कि इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। चलिए, तो ऑर्डर तो निकल का ही गया था, क्या था, ए से ज्यादा स्टेबल हो गया था बी, बी से ज्यादा स्टेबल हो गया था सी, मतलब सिंगल बॉन्डेड एनायन से ज्यादा स्टेबल हो गया था डबल बॉन्डेड एनायन, और डबल बॉन्डेड एनायन से ज्यादा स्टेबल हो गया था ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एनायन। नेक्स्ट, तो हमने अभी तक क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर हमें क्या है किसी एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है या कैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो दो बातें ध्यान रखनी है कि जिन एटमों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है तो चेक करिए कि वो ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। अगर वो ग्रुप के एलिमेंट हैं तो डिपेंड करेगा, तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज। अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ती है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, मतलब चार्ज फैल जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज में सेपरेशन हो जाता है उतनी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज होगी। देखिए, जब भी दो लाइक चार्ज पार्टिकल को अगर दूर ले जाए तो उनके बीच की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल को क्या हो जाए, दूर ले जाए तो एनर्जी इंक्रीज होती है।
तो अगर लाइट चार्ज है, जब उसका सेपरेशन साइज बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, मतलब चार्ज एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, फैल जाएगा, और चार्ज फैल जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, अगर सोर्स एटम ग्रुप के हैं तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मतलब कैटायन की स्टेबिलिटी भी और एनायन की स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज होगी। अगर पीरियड के एलिमेंट है तो उस पर डोमिनेट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पीरियड में जाने में साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत स्लाइटली होता है, इसलिए उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं या साइज ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं सेम, तो डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और प्लस चार्ज के होल्ड करने की टेंडेंसी घट जाएगी। तो अगर हम क्या करेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनायन की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी मगर कैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। चलिए अब नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो उनमें कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो ये बेसिक सी बात है, बेसिक सी बातें बता रहे हैं, फिर जीओसी में पढ़ेंगे इसको खूब अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ को छांटने का अगर हमारे पास तीन या चार मॉलिक्यूल सामने रखे हैं, तो देखिए अप्रोच बता रहा हूं, क्या अप्रोच है, सबसे पहले बहुत सिंपल सी अप्रोच है, आप क्या करें, जिन भी दो एटम्स को, दो मॉलिक्यूल्स को, जिन भी दो मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, तो आप क्या करें उनमें से H प्लस को रिमूव करा दें, सोर्स एटम से H प्लस को निकाल के एक तरफ रख दें। जैसे ही H प्लस को निकालेंगे तो H प्लस रिमूव करने के बाद एनायन जनरेट होंगे, दोनों में से H प्लस निकालोगे दोनों मॉलिक्यूल में से तो दोनों में एनायन जनरेट होगा। अब ये जो H प्लस के जाने से जो एनायन बना है, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी बनेगा, और जितनी जल्दी बनेगा समझ लो उतनी जल्दी H प्लस निकला होगा, तो उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H प्लस रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड था वो, ठीक है, क्योंकि जितना स्टेबल एनायन होगा समझ लीजिए उतनी जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी प्रोसेस होगा, कह सकते हैं उतना ज्यादा क्या होगा उतनी इजीली H प्लस रिमूव हो गया होगा, या कह सकते हैं उतनी ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में H प्लस निकलेगा, तो उतना ही क्या कहलाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गई बात, तो H प्लस निकलने के बाद जो एनायन बनेगा वो एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए क्या अप्रोच है, अप्रोच फॉर द डिटरमाइनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो क्या करेंगे, रिमूव H प्लस आयन फ्रॉम ऑल द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है सब में से H प्लस को रिमूव कर दो, देन एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूव ऑफ H प्लस विल बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो H प्लस रिमूव करने के बाद जो एनायन जनरेट हुए उन एनायन को उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख दो उनको, ठीक है। अब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी फॉलो द सेम ऑर्डर एज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो एनायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है बिल्कुल वही ऑर्डर किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो ये कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूव ऑफ एच प्लस, कि एच प्लस रिमूव होने के बाद जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा। तो देखिए जरा बात करें, जैसे हमें कंपेयर करना है किसमें, HCl और HI, HCl और HI इन दोनों में कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं तुरंत क्या करूं H+ को रिमूव कर दूं, तो H+ जैसे रिमूव करूंगा तो इसमें होगा Cl-, यहां से H+ रिमूव करूंगा तो यहां बनेगा N-। अब ये जो एनायन बनी है Cl- और I-, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर होगी एनायन की, मैंने अभी आपको बताया चेक करेंगे कि जिन जो भी एनायन है वो चेक करिए कि वो ग्रुप के हैं कि पीरियड के, तो सी और आई ये ग्रुप के हैं कि पीरियड के, ये ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा साइज, और डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा साइज रहेगा, और डोमिनेट फैक्टर साइज रहेगा तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव, साइज इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी। तो अगर साइज देखूं तो सीएल से बड़ा साइज किसका होगा आई माइनस का, तो सीएल से बड़ा साइज होगा आई का, तो उतना ही क्या होगा आई माइनस क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा किससे सीएल माइनस से। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आई माइनस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सीएल माइनस से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा एच आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा किससे एच सीएल से। क्लियर होगी बात,
तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी की बात करें तो आई माइनस ज्यादा स्टेबल था क्योंकि साइज की वजह से, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी हो जाएगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा वो स्टेबल। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जो जितना स्टेबल एनायन होता है, इंटरमीडिएट होता है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। अगर रिएक्टिविटी की बात करेगा तो सीएल माइनस ज्यादा रिएक्टिव होगा आई माइनस, तो ये अनस्टेबल बेचारा तो इधर उधर भाग के फटाक से रिएक्शन करेगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका हो गया एनायन का, वही क्या हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर आई माइनस ज्यादा स्टेबल था सीएल माइनस से तो एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किससे, एससीएल से। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एच आई एन की कंसिडरेशन के, या कह सकते हैं के ए के। मोर के का मतलब मोर एसिडिक, और मोर के मतलब या मोर एच आई एन। तो जितनी ज्यादा एच आई एन और कंसेंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा एच आई एन की कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा के वैल्यू, उतना ज्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर कंपेयर करना है, सी एच फोर, ये है एन एस थ्री, ये एच टू ओ और ये एच एफ। ये हो गया CH4 NH3 H2 HF, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो क्या करें, इनमें से H प्लस निकालें। जब इसमें से एक H प्लस निकालूंगा तो ये होगा CH3 माइनस, H प्लस यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा NH2 माइनस, इसमें से एक H प्लस निकाल दूंगा तो ये बचेगा OH माइनस, इसमें से एक H प्लस निकाल दूंगा तो ये बचेगा F माइनस। तो ये जो एनायन बने हैं, ये एनायन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए तो अब यहाँ पे सोर्स एटम देखो, इसमें CH3 माइनस में सोर्स एटम कौन है, सी। ये यहीं देख लो, इसमें सोर्स एटम यहाँ जो H निकलेगा किस पे से निकलेगा, C पे से, यहाँ N पे से निकलेगा, यहाँ O से निकलेगा और यहाँ F से। तो इसमें जो इसमें होगा C माइनस, इसमें आएगा N माइनस, इसमें आएगा O माइनस, इसमें आएगा F माइनस। अब ये C N O F ग्रुप के हैं कि पीरियड के, C N O F ये पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, और C क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, और सेम पीरियड के एलिमेंट है तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डोमिनेटिव फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी क्योंकि पीरियड के एलिमेंट हो गए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एन, एन से ज्यादा ओ, ओ से ज्यादा एफ। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा, एनायन। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा है वो उतनी उसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो सी माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा एन माइनस, एन माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा ओ माइनस, और ओ माइनस से ज्यादा स्टेबल हो गया एफ माइनस। तो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो एफ माइनस स्ट्रॉन्ग एनायन था तो ये एचएफ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान रखना रिजल्ट क्या है। अगर अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड के अलोंग जा रहे हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देखिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उतना ही ज्यादा क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया था। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना स्टेबल एनायन जनरेट होगा। तो अगर ध्यान रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मगर कब, जब पीरियड एलिमेंट हो। ठीक है, जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं वो एलिमेंट किसके हो, पीरियड के हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव के। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अब जैसे मुझे दे रखा था कि CH4 NH3 H2O और HF, तो CNOF ये पीरियड के एलिमेंट हुए, और पीरियड के एलिमेंट हुए तो इनमें डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो CH4 से ज्यादा एसिडिक कौन है, NH3। क्यों, क्योंकि C से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी किसकी है, N की। NH3 से ज्यादा एसिडिक कौन है, H2O। क्यों, क्योंकि N से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी किसकी है, O की। H2O से ज्यादा एसिडिक हो गया कौन, HF। क्यों, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनिटी O से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक ऑर्डर में कंपेयर करना है, HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो क्या तरीका है, क्या आप क्या करें, H प्लस निकाल के एनायन बनाइए। तो जैसे ही H प्लस निकालेंगे तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो F माइनस, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो Cl माइनस, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो Br माइनस, और यहाँ से H प्लस निकलेगा तो I माइनस। ये एनायन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि जो सोर्स एटम है वो कौन है, एफ है, Cl है, Br है, I है। ये ग्रुप के एलिमेंट है कि पीरियड के, तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, साइज। और साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वैसे वैसे चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए एफ माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एफ माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा सीएल माइनस, सीएल माइनस से ज्यादा बीआर, बीआर से ज्यादा आई। तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया किसका, एनायन का। और जो एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एचएफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक होगा कौन, एचसीएल, एचसीएल से ज्यादा कौन होगा, एचबीआर, एचबीआर से कौन ज्यादा हो गया, आई।
तो देखिए तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकला, ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही, वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही। तो अगर अलोंग द पीक ग्रुप, अगर हम अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कह सकते हैं साइज के। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। तो अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या देख लेंगे, साइज, और जैसे जैसे साइज और एसिडिक स्ट्रेंथ साइज की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर पीरियड के एलिमेंट हैं तो डोमिनेट फैक्टर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज के बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इन द गिवन कंपाउंड विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ये हमारे पास कंपाउंड है तो इसमें पूछ रहा है कि मोर एसिडिक एच कौन सा होगा। ये दो एच ये किधर रखा है, उस CH2 पे एक OH और एक NH2, तो इनके नाम दे रखे हैं कि O पे लगने वाला H को कह रहा है फर्स्ट, और N पे लगने वाला H को कह रहा है सेकंड। तो इन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा H क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो अगर हम बात करें तो इस पे से O, यहाँ तो सोर्स एटम कौन हो गया O, और यहाँ सोर्स एटम कौन हो गया N, तो यहाँ O पे से निकलेगा H और यहाँ N पे से निकलेगा। तो N और O पीरियड के हैं कि ग्रुप के हैं, ये चेक कर लीजिए। तो N और O सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, और सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो क्या चलेगा, डोमिनेट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है वैसे वैसे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो N इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूँ तो N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन, O। तो ये N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, O। तो O से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा N से जुड़ने वाले से। तो इसलिए फर्स्ट H ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, सेकंड से। अगर मैं बात कर लूँ इस कार्बन से जुड़ने वाले H की भी, अगर इसको भी कंपेयर कर लूँ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव N से भी कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया O से जुड़ने वाला, उसके बाद हो गया N से जुड़ने वाला, और उससे भी कम एसिडिक कौन हो जाएगा, C से जुड़ने वाला H। क्लियर होगी बात, क्यों, क्योंकि पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना स्टेबल एनायन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी एन की, एन से ज्यादा ओ की, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उनसे जुड़ने वाला एच भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सी से जुड़ने वाला एच से ज्यादा एसिडिक होगा एन से जुड़ने वाला एच, और एन से ज्यादा एसिडिक एच होगा ओ से जुड़ने वाला एच, ठीक है। तो दैट इज एच अटैच विद ओ इज इन दिस कंपाउंड विल बी मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन हो गया, ओ से जुड़ने वाला। नेक्स्ट देखिए, इन द गिविन कंपाउंड विच हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो आपके क्या है, ओ से जुड़ने वाला एच है और एक एस से जुड़ने वाला एच है। तो O और S, अगर मैं बात करूं तो O और S क्या है, ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं, ये ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप, ओनु सोनू सिटी को। तो जब O और S जो सोर्स एटम है, देखिए यहाँ से जो H निकलेगा वो O पे से, यहाँ से जो H निकलेगा वो S पे से, तो फर्स्ट सेकंड में कंपेयर करना था। तो यहाँ पे सोर्स एटम O है, यहाँ पे सोर्स एटम सल्फर है। O और सल्फर क्या है, सेकंड किसके ग्रुप के, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से के, 16 ग्रुप के, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, साइज, और साइज डोमिनेट फैक्टर रहेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज के बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो साइज बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ेगा, साइज जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ध्यान रखें, समझ में आ गई बात। अगर मैं कंपेयर करने लगूँ इस कार्बन के एच को भी ले लूँ, कार्बन से जुड़ने वाले एच को भी ले लूँ, इन तीनों एच के बारे में कंपेयर करूँ, ओ से जुड़ने वाला, एस से जुड़ने वाला, और सी से, तो देखिए जरा C और O की बात करूं तो ये सेम पीरियड के होंगे, मगर O और S की बात करूं तो ये किसके होंगे, सेम ग्रुप के होंगे। तो यहाँ पे तो चलेगा साइज, और यहाँ पे क्या चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये पीरियड के एलिमेंट है तो सेम पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये सेम ग्रुप के हैं तो यहाँ डोमिनेट फैक्टर रहेगा साइज। इनकी बात कर लीजिए तो जैसे जैसे पीरियड में क्या होगा, डोमिनेट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, ओ की। तो सी से सी पे जो एच है उससे ज्यादा एसिडिक एच कौन होगा, ओ से जुड़ने वाला एच। तो इस सी से जो इससे ज्यादा एसिडिक एच तो हो गया ओ का,
और ओ और एस में कंपेयर करें तो यहाँ ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप किस एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा साइज, और साइज ओ से जब बड़ा साइज किसका होगा, सल्फर का, तो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ, तो इस चीज से ज्यादा एसिडिक हो गया ओ से जुड़ने वाला एच, और ओ से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सल्फर से जुड़ने वाला एच। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तीन कंपाउंड है, कंपेयर करना है कि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच कौन सा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा कंपाउंड है। ये है CH3NH2, ये है C पे लग रहा है OH, और इस C पे तीन CF3 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 है, तीन CF3 CF3 CF3, और इस पे क्या है, C पे क्या लगा है SH, और इस C पे तीन CH3 CH3, यहाँ CH3 CH3 है, वहाँ CF3 CF3 है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, तुरंत सोच लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ाया, तो जिसको नहीं पढ़ाया वो तो सोचेगा नहीं, क्योंकि जब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानता नहीं तो वो सोचेगा क्या, मगर जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है और अब वो पढ़ते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि यहां सोचेंगे कि एफ एफ क्या दिखाएगा, माइनस आई, और माइनस आई वाले एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और ये सोचेंगे CH3 CH3 क्या दिखाएंगे, प्लस आई वाले एसिड स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, तो इस पे ज्यादा माइनस आई है और इस पे ज्यादा प्लस आई, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जितना प्लस आई होगा उतना एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इस पे और सबसे ज्यादा प्लस आई इस पे, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगी और ये सबसे कम एसिडिक होगी और ये बीच में आ जाएगा। तो ये बात एप्लाइड कर लेते हैं, तो ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मीजोमेरिक हो, इंडक्टिव हो, रेजोनेंस हो, कोई सा भी इफेक्ट हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाते हैं। ये सब जब लगेंगे, जब सारे रूल खत्म हो जाए, सबसे लास्ट में किसको चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को। अभी तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सोर्स एटम को, इसीलिए ये लेक्चर जीओसी पढ़ाने से पहले लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है कुछ बेसिक बातों का, ठीक है। अगर ये बेसिक बातें सीखेंगे तो गलतियां वहां नहीं होंगी फिर जीओसी में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले करेंगे सोर्स एटम, सबसे पहले क्या चेक करेंगे सोर्स एटम, जहां सोर्स एटम मतलब जिस पे से एच निकल के जा रहा है, तो सोर्स एटम को पकड़िए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स एटम कौन है, सोर्स एटम आइडेंटिफाई करने के बाद चेक करेंगे कि वे जो सोर्स एटम है वो ग्रुप के हैं कि पीरियड के। अगर वो पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर वे ग्रुप के एलिमेंट हैं तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा साइज, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर वो एलिमेंट सेम है, ना तो वो ग्रुप के हैं ना वो पीरियड के, वो सेम है, सेम एलिमेंट है, तो फिर चेक करेंगे एस करेक्टर, और जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर एलिमेंट भी सेम हो और एस करेक्टर भी सेम हो तब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। माइनस इफेक्ट होगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, और प्लस इफेक्ट होगा तो एसिड स्ट्रेंथ घटा देता है, मगर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव मीजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट कहां, सबसे लास्ट में, किसमें, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं या बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं या किसी कैटायन या एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले सोर्स एटम चेक करेंगे, सोर्स एटम चेक करेंगे, सोर्स एटम के बाद चेक करेंगे ग्रुप के हैं कि पीरियड के, ग्रुप के होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, ग्रुप के होंगे तो साइज, और पीरियड के होंगे तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी चेक करेंगे, ठीक है। और अगर एटम भी सेम हो जाए तो फिर चेक करेंगे एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। और अगर एस करेक्टर भी सेम हो तब चेक करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को। तो देखिए, तो यहां पे सबसे पहले तो सोर्स एटम, यहां सी से भी जा सकता है एच और एन से भी, सी से ज्यादा एसिडिक एच किसका होता है, एन का, भी हमने देख लिया सी से ज्यादा एन का, एन से ज्यादा ओ का, ओ से ज्यादा एफ का, तो यहां पे डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया एन। इसमें बात करूं तो इसमें डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया ओ, ओ से जुड़ने वाला एच। इसमें डोमिनेट फैक्टर कौन होगा, सी से जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक होता है कि एस से, तो एस से, ठीक है। तो इसमें डोमिनेट फैक्टर हुआ, यहाँ तो एच निकलेगा एन से जुड़ने वाला, यहाँ एच निकलेगा ओ से जुड़ने वाला, और यहाँ एच निकलेगा एस से जुड़ने वाला, क्योंकि सी से जुड़ने वाला एस से ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा, देखिए सी से ज्यादा एच होगा एन, एन से ज्यादा ओ, ओ से ज्यादा एस, क्योंकि एस ओ से भी ग्रुप के एलिमेंट हो गए, चलिए अभी हमने देखा था। तो अब कंपेयर कर लो एन ओ और एस, तीन सोर्स एटम हो गए एन ओ और एस, एन और ओ की बात करूं तो सेम पीरियड के हैं, और ओ और एस की बात करूं तो सेम ग्रुप के हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में तो क्या चलेगा, पीरियड के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एन से ज्यादा एसिडिक होगा ओ से जुड़ने वाला एच, और ओ से भी ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सल्फर वाला, क्योंकि इससे बड़ा साइज है, क्योंकि किसके हैं, ग्रुप के हैं, ग्रुप के हैं तो साइज, क्लियर होगी बात, बस तो यही ध्यान रखना है। तो इसमें सोर्स एटम कौन हो गया था एन, यानी कि जो एच प्लस निकलेगा वो सी से नहीं एन से निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि एन से जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक होता है किससे, सी से, सी से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है एन, क्योंकि सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी होती है एन की, क्योंकि सी और एन पीरियड के एलिमेंट है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक एच होगा, तो सी
सी से जुड़ने वाले एच से ज्यादा एसिडिक होगा एन से जुड़ने वाला एच, तो इसलिए जो एच प्लस निकलेगा वो एन का। इसमें क्या हो गया, सी से जुड़ने वाला एच और ओ से जुड़ने वाला एच, दो एच, दो टाइप के एच प्रेजेंट है, तो कौन सा एच निकालूं, तो क्या होगा, ओ से जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक होता है सी से, क्यों, क्योंकि ये सेम पीरियड के है, कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो डोमिनेट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सी से ज्यादा इलेक्ट्रोटी ओ की है, तो इसलिए ओ से निकलेगा एच प्लस, तो ओ माइनस बनेगा। तो यहाँ सोर्स एटम हो गया ओ, वहां सोर्स एटम हो गया एन। इसमें एस और ओ, तो ओ और एस में बात करूं तो एस क्या है, एस कार्बन क्या है, सेकंड पीरियड का है, जबकि सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो इसका साइज बड़ा है और साइज बड़ा है तो इसका क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक एच होगा, तो डोमिनेट फैक्टर कौन हो गया, सल्फर। तो तीन डोमिनेट सेंट कौन हो गए, डोनर एटम हो गए, एक में नाइट्रोजन, एक में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक में सल्फर। तो सी और ओ, एन और ओ की बात करूं तो एन और ओ की बात करूंगा तो क्या होगा, ये पीरियड के एलिमेंट है और पीरियड के एलिमेंट है, डोमिनेट फैक्टर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओ, तो एन से ज्यादा एसिडिक हो गया ओ, क्लियर। अब ओ और एस की बात करूं तो ये साइज ग्रुप पीरियड, ये ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, डोमिनेट फैक्टर रहेगा साइज, और साइज जिसका जितना बड़ा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ओ से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एस से जुड़ने वाला एच, तो इसलिए अगर हम इसमें एस कंपेयर करूं तो कंपेयर क्या हो गया, ए से ज्यादा, एन से ज्यादा एसिडिक हो गया ओ वाला एच और ओ से ज्यादा हो गया कौन, एस वाला, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन हो गया, सल्फर से जुड़ने वाला एच। तो ये सीक्वेंस हो गई, ये सबसे लेस एसिडिक और ये सबसे मोर एसिडिक इन तीनों में। देखिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें क्या करना है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करना है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इथेन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब एल्काइन हो गई, और ये NH3 और ये H2O, ये कह रहा है इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो ध्यान दीजिए, सोर्स एटम इसमें क्या होगा, जो H निकलेगा वो कार्बन पर से जाएगा, इसमें जो H प्लस जाएगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर से जाएगा, इसमें जो H जाएगा, H प्लस जाएगा वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, और इसमें से जो H जाएगा वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से, और इसमें से जो H जाएगा वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से। तो सोर्स एटम इसमें हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp3 कार्बन, इसमें हुआ sp2 कार्बन और इसमें हुआ sp कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन की एडिशन sp3, डबल बॉन्डेड की sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड की sp। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें जो सोर्स एटम हुआ sp3 कार्बन, इसमें सोर्स एटम हुआ sp2 कार्बन, इसमें सोर्स हुआ sp कार्बन, और इसमें सोर्स हुआ sp3 नाइट्रोजन, और इसमें हुआ sp3 ऑक्सीजन। इनमें कंपेयर करिए, तो देखिए सोर्स एटम कौन कौन हो गए हमारे पास, तो हम बात करें तो सोर्स एटम ये हो गए सी सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, और सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो बात कर चलेंगे तो अगर पीरियड के एलिमेंट हो गए तो इनमें डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिंगल बॉन्डेड अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। मगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बात थी कि कार्बन से ज्यादा एन की, एन से ज्यादा ऑक्सीजन की। मगर इसमें ध्यान रखना, जब कार्बन की एस करेक्टर बढ़ेगी, ध्यान देखिए जो sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उसकी उसमें एस करेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया, एस करेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो 2.5 से ये हो जाती है 2.75, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो इसमें एस करेक्टर और ज्यादा बढ़ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है और बढ़ जाती है, और ये बढ़कर हो जाती है 3.25, और 3.25 क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो होती है 3.5। तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई 3.25, 3.25 3 से तो बड़ी है मगर 3.5 से क्या है, छोटी है। तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ऑक्सीजन से तो छोटी मगर सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, बड़ी। तो ये ध्यान रखना है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर देखिए sp3 कार्बन से होगा sp2 का, और sp2 से बड़ा होता है sp3 का, मगर जो sp3 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, अधिक, और इतनी भी और सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से अधिक हो जाएगी मगर ऑक्सीजन से क्या रह जाती है, कम। ये होती है 2.5, ये होती है 2.75, ये होती है 3, और ये हो जाती है कितनी, 3.25, और ऑक्सीजन की होती है कितनी, 3.5।
तो ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से तो अधिक होती है, मगर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से क्या होती है कम। तो ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसके एलिमेंट हुए साहब, पीरियड के, और पीरियड के हुए तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट फैक्टर रहेगा तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो देखिए, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए किसकी, डबल बॉन्डेड की, तो इससे ज्यादा एसिडिक ये, और इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एन, और एन से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ओ। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला जो एच है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से तो ज्यादा एसिडिक, मगर ऑक्सीजन से जुड़ने वाला एच से कम एसिडिक। क्लियर होगी बात, तो इसमें इससे ज्यादा एसिडिक ये होगा, इससे ज्यादा होगा एन, एन से ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसके बाद आएगा ओ। क्लियर होगी जी, तो ये बात ध्यान रखना, तो इसमें बस ये बात ध्यान रखनी कि जो ऑर्डर हो गया तो ओ ध्यान रखेंगे, तो ओ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो जाती है किस, वो ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, मगर एन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से क्या होती है, छोटी, और उसके बाद तो डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो ये सीक्वेंस रहेगी किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये मैं कई बार और लेक्चरों में भी आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये देखिए सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर जो मैंने आपको बताया ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोन, एफ ओ एन फोन, फिर होगा करो सी एल फोन करो, फिर होगा बकरा, फिर होगा कसाई सी एस आई कसाई, और उसके बाद होता है पहलवान है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिटी ऑर्डर है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी होती है कितनी फोर, इसकी होती है कितनी 3.5 ऑक्सीजन की, और एन और सी एल की सेम होती है ऑलमोस्ट कितनी 3, और Br की होती है 2.8, और इस कार्बन सल्फर और आयोडीन इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है कितनी 2.5, ठीक है। और यहाँ पे P फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिटी ऑलमोस्ट सेम होती है कितनी 2.1, मगर ध्यान रखेंगे ये सब क्या है सिंगल बॉन्डेड की बात, यानी कि sp3 की। अब सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रिटी कितनी थी 2.5, मगर जैसे क्या होगा अगर डबल बॉन्डेड की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रिटी कितनी थी 2.5, डबल बॉन्डेड की बात करूंगा तो एस करेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया तो ये बढ़ के हो जाती है 2.75, और अगर हम मैं एक बात करूं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की तो इसकी इलेक्ट्रिटी और बढ़ जाती है, ये हो जाती है 3.25, और 3.25 किससे अधिक हो गई, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से अधिक हो गई, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी होती है कितनी 3। तो देखिए, तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रिटी क्या है नाइट्रोजन से तो अधिक हो गई, मगर बात कर लूँ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो उससे कम है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 और वो कितनी है 3.25। क्लियर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, याद कैसे रख सकते हैं इसे, FON फोन करो, और ये हो गया बकरा कसाई पहलवान है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा इस लेक्चर को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड लेक्चर करके डाल देंगे, वो बेसिक ही लेक्चर होगा, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे, लिविंग ग्रुप के बारे में बताएंगे कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब ये बेसिक सी बात है, उसके बाद GOC स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट। आगे बात समझ में नहीं, तो अभी एक लेक्चर और लेंगे इसका बेसिक सा, उसके बाद हम क्या करेंगे ये GOC का आपको ध्यान रखना है, GOC ऑर्गेनिक में ये बहुत बेहतरीन से, बहुत भी बेहतरीन, बहुत ज़्यादा, जिसने आप इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं सुन सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम देख सुन नहीं सकते मगर सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, जिनका ख्याल भी नहीं, जिनके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं सुना नहीं कभी, तो उनके बारे में कैसे सोचेंगे, इमेजिनेशन से भी बाहर। तो वैसे ही आपको GOC पढ़ाने वाले हैं, आप उतना इमेजिन नहीं कर सकते कितनी अच्छी, आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप लेक्चर को ध्यान से देख लेंगे कभी आप GOC ना भूलेंगे, और ना भूलने की कोशिश भी कर लेना खूब तब भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रह जाएगी, इतनी प्यारी सी GOC पढ़ाने वाले हैं। Thanks.